रॉल्स रॉयस का नाम दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कारों में शामिल है। कार की दुनिया में उसकी खूबसूरती और रुतबे का अलग ही दबदबा है। रॉयल्स रॉयस की गिनती दुनिया की टॉप कारों में होती है। टीम इंडिया के मौजूदा बॉलिंग कोच मोने मौकल का यह मानना है कि भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव भी बिल्कुल उसी तरह ही हैं। दुनिया के बाकी गेंदबाजों से वो बिल्कुल अलग हैं, जिनके पास बल्लेबाजों को डराने वाली रफ्तार है, साथ ही टीम के गेम प्लान के अनुसार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की पूरी क्षमता है। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और अपनी फील्डिंग के लिए मशहूर जॉन्टी रोड्स ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा कर दिया। मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आईपीएल 2024 में डेब्यू किया था। तब मोने मौकल टीम के बॉलिंग कोच थे, वहीं जॉन्टी रोड्स फील्डिंग कोच की भूमिका में थे। रोड्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि मोने मौकल ने मयंक को गेंदबाजी करते जब देखा तो पूरी तरीके से हैरान रह गए। उन्होंने रोड्स से कहा कि वाह, ये लड़का तो कमाल है, वे गेंदबाजों का रॉयल्स रॉयस की तरह है, उसी तरह हम जिस तरह एलन डोनाल्ड को रॉयल्स रॉयस कहा करते थे। आपको बता दें कि एलन डोनाल्ड साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज थे। वो अपने बॉलिंग एक्शन, पेस और स्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। मयंक यादव जैसे गेंदबाज वर्ल्ड क्रिकेट में गिनती के ही हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में उन्होंने 4 मैच खेलकर ही सनसनी मचा दी थी। उनकी गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन इंजरी के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ गया। तब से करीब 4 महीने अब बीत चुके हैं और उनकी वापसी नहीं हो सकी है। उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। जाने रिपोर्ट्स के मुताबिक मयंक फिलहाल बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि एनसीए में रिहब कर रहे हैं। उनके मेंटोर और दिल्ली अंडर 19 के फूड कोच नरेंद्र नेगी ने बताया है कि एनसी के ट्रेनर और फिजियो मयंक को एक रूटीन दिया है और वो लगातार बॉडी की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और वो जल्द ही मैदान पर वापसी भी कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।